हेलो नमस्कार एंड आदाब। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्पेलिंग रूल। स्पेलिंग रूल का ये सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में जो हम जानेंगे वो जानेंगे सी को कब हम क पढ़ते हैं और कब हम स पढ़ते हैं। तो बोर्ड पे देखेंगे लिख रखा है आपके लिए सारे के सारे एग्जांपल्स के साथ और इसे समझने में बहुत आसानी होगी अगर हम इसको देखते हैं। तो गाइस कीप रिमेंबर कि जो भी आप वीडियो देखते हैं उसका नोट जरूर बनाएं। अगर आप उसको बार बार देखने का आपके पास टाइम हो तो उसे आप रिपीट करके देखें, अदरवाइज आप नोट बनाएं और उस पर प्रैक्टिस करें। आप भी इससे मिलते जुलते वर्ड्स जो स्पेलिंग में और प्रोनंसिएशन में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा हो उसे आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। आइदर आप उसे खुद लिखें या फिर आप टाइप करके कमेंट बॉक्स में लिख दें सो दैट कि मैं उस पर भी वीडियो बना दूँ। तो देखते हैं कि एग्जाम्पल हमारा क्या है, कब हम स पढ़ेंगे और कब हम क पढ़ेंगे। तो बोर्ड पे जो मैंने लिखा है वो लिखा है स्पेलिंग रूल्स। स्पेलिंग रूल्स के सेकंड वीडियो है ये, एक वीडियो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं और ये सेकंड वीडियो है। तो अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में सी के बाद किसी भी वर्ड में सी के बाद आई ई या फिर वाई रहे तो सी को हम स पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं, जैसे आपने देखा होगा साइकिल। नाउ हियर आप यू कैन फाइंड दैट सी के बाद वाई आ रहा है, इट्स साइकिल। साइकिल में सी वाई सी एल ई साइकिल। साइकिल में सी के बाद जो है वो वाई आ रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा सेंटर। नाउ यू कैन फाइंड कि सी के बाद ई का साउंड है जो कि ऑलरेडी सेंटर में हमें काम करेगा, लिखेंगे जब भी और बोलेंगे जब भी। तो सी सेंटर सी ई एन टी ई आर सेंटर सेंटर। नेक्स्ट वर्ड इज द सर्कल। हेयर अगेन यू कैन फाइंड सी के बाद आई आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज द साइबर। साइबर में सी के बाद वाई आ रहा है जो कि आप बहुत बार इसको देखते होंगे, हम इसे प्रोनाउंस करते हैं साइबर। साइबर कैफे लिखा हुआ देखते होंगे आप हर जगह पर। नेक्स्ट वर्ड इज द सेल सी ई डबल एल सेल सेल। इसके बाद में है सेलिब्रेट, मनाना। सेलिब्रेट आप सब बर्थडे मनाते हैं, आप सब फेस्टिवल मनाते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं सेलिब्रेट सेलिब्रेट। नेक्स्ट वर्ड इज द सिनेमा। सिनेमा एज यू फाइंड दैट सिनेमा ऑलरेडी सी से स्टार्ट है और सी के बाद आई एन ई एम ए सिनेमा। तो गाइस आई होप कि सी को हम जहां पे स पढ़ते हैं वो आज हमारा क्लियर हो जाएगा। तो आई होप गाइस कि सी को स कहां पढ़ा जाता है वो आज आप इस वीडियो से क्लियर कर पाए होंगे। लेट्स हैव एग्जांपल कि हम सी को क कब पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि सी को हम कब क पढ़ते हैं। तो सी को हम कब क पढ़ते हैं, अगर किसी भी वर्ड में सी के बाद ए ओ या फिर यू रहे तो हम सी को क पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैंने वर्ड्स लिए हैं सी ओ यू एस आई एन, इट्स कजिन। कजिन ऑलरेडी हम इसको यूज करते हैं कजिन। सो कजिन में सी के बाद ओ आ रहा है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी ओ है। मैंने बोला कि सी के बाद अगर ओ आएगा तो हम उसको क का साउंड देते हैं। सेम है यहाँ पे कंप्यूटर। कंप्यूटर तो कंप्यूटर में हम ऑलरेडी सी के बाद ओ को हम चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं, सो इट्स अ कंप्यूटर। नेक्स्ट वन इज कैमरा सी ए। यहाँ पे दिखाया हमने कि सी के बाद अगर ए आता है तो कैमरा सी ए आप ऑलरेडी फाइंड कर सकते हैं। तो इन वर्ड्स के अंदर हमने ए और ओ को फाइंड किया। सी ए टी सी एच कैच। कैच के अंदर भी आप सी के बाद ए को आप फाइंड कर सकते हैं। नाउ सी यू पी कप। कप यानी कि यू का साउंड है यहाँ पे, अब यहाँ पे भी यू आप फाइंड कर सकते हैं। सी यू पी कप ऑलरेडी आप इसमें यू फाइंड कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज द कल्चर। कल्चर में भी आप सी के बाद यू को फाइंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज द कस्टमर। कस्टमर केयर जिसे आप किसी भी प्रॉब्लम में आप कस्टमर केयर कॉल करते हो वही कस्टमर। तो कस्टमर यानी कि आपके ग्राहक और या फिर ग्राहक सेवा केंद्र। सो नाउ इन सभी वर्ड्स के अंदर आपने फाइंड किया कि ए ओ यू अगर सी के बाद आ रहा है उसको हम क का साउंड देते हैं। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं एक्सेप्शंस की बात कर रहा था, कुछ वर्ड्स है नीचे मैंने लिखा है जबकि सी एच को मोस्टली च पढ़ा जाता है। तो एक्सेप्शंस जहां कहीं भी है एक दो वर्ड्स को छोड़ करके वो अगर देखा जाए तो वो ऑलरेडी है, लेकिन एक्सेप्शंस को अगर हटा दिया जाए तो मोस्टली जगह पे सी एच को च ही पढ़ा जाता है। एग्जांपल के तौर पे आपने यहाँ पे मैंने वर्ड लिया है मैच एम ए टी सी एच मैच। इसके बाद हमने लिया है कैच सी ए टी सी एच कैच। नेक्स्ट हमने लिया है स्क्रैच स्क्रैच सी टी सी एच। इसके बाद हमने लिया पाउच पाउच में भी सी एच।
और हर जगह पे चौक का साउंड हम दे रहे हैं, तो एटीसी यानी कि ऐसे वर्ड्स है जहां पे सी एच को चौक का साउंड दिया जा रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक्सेप्शन हर जगह पे है, एक्सेप्शन यहां भी आपको मिलेंगे। तो जैसे ही आपको जो भी वर्ड्स मिले, अगर आपको लगता है कि हाँ ये नहीं बताया गया, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, अगली बार मैं आपको वादा करता हूं कि उस पर वीडियो बना करके दे दूंगा। सो आई होप गाइस कि आपने स और क का प्रोनंसिएशन सी के साथ कहां करना है वो आपने सीखा, साथ में आपने ये भी सीखा कि सी एच को हम च कहां पे पढ़ते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग।